अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज के जो हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 6 4B क्वेश्चन नंबर है 16, इसमें देखें जो उसने हमें डाटा दिया है वो हमारे पास क्या है। वो कहता है इट इज़ गिवन दैट यूनिवर्सल सेट एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एक्स ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन इज इक्वल टू 18। ये जो हमारे पास साइन है वो किसका है, ग्रेटर देन का है। और ये हमारे पास जो एक्स है वो लेस देन भी है और इक्वल टू भी है किसके, 18 के। और जो वाई सेट एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, जो हमारे पास एक्स है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ है 3। अब मल्टीपल ऑफ 3 आपने कहाँ तक लेके जाना है, 18 तक लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 9, तो इसका मतलब है जो जी है वो हमारे पास किसका मल्टीपल है, वो हमारे पास 9 का है। लिस्ट ऑल द एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट इन वाई एंड जी इन सेट रोटेशन, ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट यूनिवर्सल सेट यू वी सॉरी वाई एंड जी फ्रॉम द वेन डायग्राम, फाइंड वाई यूनियन जी का कम्प्लीमेंट इन विच इज इक्वल टू सॉरी फर्स्ट पार्ट जो सेकंड पार्ट है वाई इंटरसेक्शन जी का कम्प्लीमेंट, ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। इधर आ जाए, अब सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। अब जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है उसमें जो उसने कंडीशन दी है वो हमारे पास क्या है, वो कहता है कि एक्स ग्रेटर देन है हमारे पास 3 से और लेस देन इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 18 है। तो 3 से जो हमारे पास बड़ा इंटीजर है हमारे पास, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, वो हमारे पास क्या है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, उसके बाद 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास लेस देन और इक्वल टू है ना, इस वजह से 18 भी साथ ही इंक्लूड होगा। इसका जो हमारे पास वाई सेट है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल है, वाई सेट विच इज़ इक्वल टू हमारे पास मल्टीपल ऑफ 3, मतलब एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। 3 के जो मल्टीपल हैं वो कहाँ तक लेने हैं, 18 तक। 3 का आ जाएगा 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास 18 और उसके बाद कर्ली ब्रेसिस बंद। जो हमारे पास सेट जी है विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, मल्टीपल ऑफ 9, जो हमारे पास 9 के मल्टीपल हैं वो हमारे पास कौन से, एक हमारे पास 9 आ जाएगा और 18 बाय इटसेल्फ आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखिए ये हमने 18 तक ही क्यों ली, क्योंकि ये हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो कहाँ तक आ रहा है, 18 तक आ रहा है। इसका जो हमारे पास ए पार्ट है, ठीक है, वो तो हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, यहाँ पे इसको ए का नाम देने, मैंने 1 का नाम दिया, इसको ए का नाम दे दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने सेट अब बी पार्ट जो है इसमें हमने वेन डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, वेन डायग्राम, ठीक है। जो वेन डायग्राम है वो हमारे पास क्या, हमने कैसे इसको डिनोट करना है, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने सेट वाई और जी दोनों को हमने क्या कर देना है, रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक हो गया। अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपको पता है जो हमारे पास ये होता है सेट, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक सेट है वाई, इसको आपने कैपिटल सर्कल से डिनोट करना है, ठीक है, इसको आपने क्या कहना है, वाई। इसके अंदर हमारे पास एक सेट आ रहा है जी, ठीक है, सेट जी को आपने किससे डिनोट करना है, उसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट आ रहे हैं वो हमारे पास कौन से आ रहे हैं, 18 आ रहा है, ठीक हो गया। अब 9 और 18 हमारे पास देखें, क्या जो 9 और 18 इधर आ रहा है वो क्या इसका जो वाई सेट है उसके अंदर भी मौजूद है, तो इसका मतलब है जो 9 और 18 है वो इसका क्या है, सबसेट है, ठीक है। सबसेट कैसे, क्योंकि 9 जो और 18 जो है वो सेट जी के भी एलिमेंट है और सेट वाई के भी एलिमेंट है, तो इसका मतलब है कि जो वाई है वो किसका सबसेट है, वाई का। अब जो बाकी एलिमेंट बच रहे हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं, वो हमारे पास एक 3 बच रहा है, 6 बच रहा है, उसके बाद हमारे पास 9 तो अंदर लिख लिया, 12 बच रहा है, उसके बाद 15 बच रहा है, उसके बाद हमारे पास क्या है, सॉरी 18 भी इधर अंदर आया हुआ है, वो भी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं। तो टोटल एलिमेंट कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। अब जो बाकी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट बच रहे हैं वो हमारे पास कौन से हैं, वो आप यहाँ पे लिख लें, 4 है, उसके बाद हमारे पास 5 आ रहा है, 6 ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे पास 7 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 10 है, 11 है, 12 लिख चुके हैं, 13 है, 14 है, ठीक है, 15 है, 16 है, 17 है और 18 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं।
ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक क्या है, वेन डायग्राम हमने ड्रॉ कर दी है यूनिवर्सल सेट की, और उसके बाद जो उसके सब सेट है वाई और जी की, ठीक है। अब जो जी है उसको हमने वाई सेट के अंदर बनाया है, क्योंकि जो वाई जी के एलिमेंट है वो सेट वाई के अंदर क्या है, मौजूद हैं, ठीक हो गया। इसका जो हमारे पास, उसके बाद जो है बी पार्ट भी हमने सॉल्व कर दिया। अब हमारे पास है जो सी पार्ट, सी पार्ट में हमने क्या करना है, वो कहता है वेन डायग्राम, आपने वेन डायग्राम से फाइंड करना है कि जो हमारे पास पार्ट वन है उसमें आपने फाइंड करना है कि वाई यूनियन जो जी का कंप्लीमेंट है वो हमारे पास किसके इक्वल है, ठीक है। ये इसका पार्ट वन है, और जो इसका सेकंड पार्ट है उसको भी हमने सॉल्व करना है, वो हमारे पास क्या है, वाई इंटरसेक्शन जो जी का कंप्लीमेंट है वो हमारे पास किसके इक्वल है। अब आपको पता है जब हम क्या करते हैं कंप्लीमेंट, ये हमारे पास जो डैश है इसको क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट, ठीक है। तो ये कंप्लीमेंट फाइंड करना है, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो हमारे पास कौन सी है, वाई यूनियन जी की है। अब वाई के एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से हैं, वाई के एलिमेंट है हमारे पास देखें, वाई के एलिमेंट हमारे पास 3 है, उसके बाद हमारे पास 6 है, 9 है, 12 है, ठीक हो गया। उसके बाद है 15 है, ठीक हो गया। सॉरी यहाँ पे 15 आपने नहीं लिखना, क्योंकि 15 इधर भी लिखा हुआ है, ठीक हो गया, क्योंकि 15 को वन टाइम लिखना है, जब भी हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो वन टाइम लिखते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद 15 के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 18, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने 18 लिख लिए, ठीक हो गया। उसके बाद आपने यूनिवर्सल सेट का साइन डालना है, यू सॉरी यूनियन का साइन डालना है, वो हमारे पास यू है। जो हमारे पास सेट जी के एलिमेंट है वो हमारे पास 9 और 18 है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन ये हमें करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप डायरेक्ट भी कर लें वाई यूनियन जी को किस में से निकाल देना है, इसमें से निकाल देना है, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। कैसे निकालना है, मतलब जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से आपने ये वाई के एलिमेंट और जो ये हमारे पास कौन से हैं, ये हमारे पास किसके एलिमेंट हैं, जी के, इन जी के एलिमेंटों को हमने क्या करना है, इस यूनिवर्सल सेट में से निकाल देना है, ठीक हो गया। अब जो हमारे पास इनका यूनियन आ जाएगा, वाई यूनियन जी विच इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, देखें जो हमारे पास रिपीटिंग है, जब यूनियन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, रिपीटिंग एलिमेंट को वन टाइम लिख देते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, और उसके बाद हमारे पास क्या है, 18 आ गया, ठीक है। जब यूनियन लेते हैं तो दोनों सेटों को हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, वाई यूनियन क्या करना है, जी, ठीक हो गया। और इसका हमने क्या करना है, कंप्लीमेंट फाइंड करना है। कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, यू में से इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो वाई यूनियन जी, ठीक हो गया। अब जो वाई के एलिमेंट है वो हमारे पास किसके इक्वल है, वो हमारे पास है किसके, अब जो हमारे पास वाई के एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, सॉरी इसमें हमारे पास एक और मिस्टेक आ रही है, देखें कैसे, कि जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ रहा है वो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो 4 से आ रहा है। तो आपने जो भी मल्टीपल ऑफ 3 लेना है वो कहाँ से लेना है, वो 4 से बड़ा होना चाहिए और लेस देन या इक्वल टू क्या होना चाहिए, 18। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी हमारे पास मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आएगा और इधर भी हमारे पास क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आएगा। तो फिर इधर भी आपने क्या करना है, इसको नहीं लिखना, ये आपने जो करेक्शन है हमारे पास मिस्टेक हुई है, इसको आपने करेक्शन कर लेनी है। क्योंकि ये हमारे पास क्यों मैंने 3 मल्टीपल ऑफ 3 ये रेज किया है, इस वजह से क्योंकि जो हमारे पास कंडीशन है वो एक्स ग्रेटर देन है 3, ठीक है, 3 से बड़ा होना चाहिए। और मल्टीपल ऑफ जो 3 से बड़ा है वो हमारे पास क्या होता है, 6 होता है, 9 होता है, 12 होता है, 15 होता है, ठीक हो गया। तो ये आपने करेक्शन कर लेनी है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4, और उसके बाद हमारे पास क्या है, 5, 6, 7, ठीक है, सो ऑन, कहाँ तक आपने जाना है, ये आपने जाना है 18 तक, ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने माइनस का साइन डालना है, ठीक है, और वाई यूनियन जी इधर भी अगर आपने रेज किया तो यहाँ पे भी रेज कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, उसके बाद 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास 18 आ जाएगा, ठीक हो गया। ये हमने क्या करना है, ये यूनियन को हमने यू में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, अब हमने सेट यू के इसके वो एलिमेंट लिखने हैं जो इधर नहीं है। अब 4 इधर है, इधर नहीं है, 5 इधर है, उधर नहीं है, 6 इधर भी है, इधर भी है, नहीं लिखना।
उसके बाद सेवन है, इधर है, इधर नहीं है, लिख लेना है। एट इधर है, लिख लेना है। नाइन इधर भी है, इधर भी नहीं लिखना। उसके बाद टेन इधर है, उधर नहीं है। इलेवन, उसके बाद ट्वेल्व इधर है, नहीं लिखना। थर्टीन आ जाएँ, उसके बाद फोर्टीन आ जाएँ, उसके बाद फिफ्टीन है, इधर भी है, इधर भी है, नहीं लिखना। सिक्सटीन आ जाएँ, लिख लें। उसके बाद सेवनटीन है, उसके बाद एटीन, इधर भी है, इधर भी है, नहीं लिखना। तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई का हमारे पास कंप्लीमेंट आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है, उसमें हमने क्या करना है, ये आपने डायरेक्ट लिखना है, आपने यहाँ पे आना है। ये आपको समझाने के लिए सारा किया है। मतलब है कि जो हमारे पास वाई यूनियन जी का कंप्लीमेंट है ना, यू में से वाई, यू में से माइनस वाई यूनियन जी को डायरेक्ट आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास ये आंसर आना चाहिए। ये वाली चीज़ है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। आप वेन डायग्राम को देखें, जो हमारे पास सर्कल वाले एलिमेंट हैं, वो आपने यूनिवर्सल सेट है। मतलब है कि जो हमारे पास ये वाला सेट है ना, इसमें से ये जो सर्कल वाले एलिमेंट है वाई के और जी के, इनको आपने निकाल देना है, तो बाकी जो एलिमेंट बचेंगे वो हमारे पास ये वाले बच जाएंगे। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है, पार्ट हमारे पास सी का, उसमें हमने क्या करना है, वाई इंटरसेक्शन हमने जी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमने जी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। जी का कंप्लीमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, यू में से जी को हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब जो यू के एलिमेंट है वो हमारे पास फोर सी, हमारे पास क्या है, फाइव है, सिक्स है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, सेवन है, आगे सोन कहाँ तक है, हमारे पास एटीन है। उसके बाद आपने माइनस का साइन डालना है, और जो सेट जी है वो हमारे पास, उसके भी एलिमेंट गिवन है, वो हमारे पास क्या है, नाइन और एटीन है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है नाइन और एटीन। अब हमने क्या करना है, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेट यू के वो एलिमेंट लिखने जो इधर नहीं है। अब फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है, एट है, नाइन इधर है, नहीं लिखना। उसके बाद टेन, आगे सोन कहाँ तक लेने, एटीन इधर भी है, इधर भी है, तो सेवनटीन तक लिख लेने। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका आपने वाई यूनियन जी जो कंप्लीमेंट आया है, उसका आपने यूनियन फाइंड करना है। वाई हमारे पास क्या है, फोर है, सॉरी सिक्स है, हमारे पास मल्टीपल ऑफ थ्री है ना, सिक्स आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नाइन आ जाएगा, ट्वेल्व आ जाएगा, उसके बाद फिफ्टीन आ जाएगा, उसके बाद एटीन आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट बंद, और उसके बाद यूनियन का साइन डालना है। ठीक है, जो सेट जी का कंप्लीमेंट आया वो हमारे पास फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टेन है, आगे सोन कहाँ तक है, वो हमारे पास सेवनटीन तक है, क्योंकि एटीन हमने नहीं ना लिखा, इधर भी था, इसलिए। अब जो वाई यूनियन जी का कंप्लीमेंट आ जाएगा, विच इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, अब दोनों सेटों को आपने इकट्ठा करके लिख लेना है, फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है, नाइन टेन इलेवन, ठीक है, उसके बाद ट्वेल्व आ जाएगा, आगे सोन कहाँ तक जाना है आपने, एटीन तक जाना है। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, वाई यूनियन जी का कंप्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमारे पास सिक्सटीन, सॉरी ये जो सिक्सटीन है, इसमें तो जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने क्या फाइंड करना था, हमने यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन फाइंड करना था। इधर भी आपने इंटरसेक्शन का साइन डाल लेना है, और इधर भी, ठीक है, ये आपने चेंज कर लेना है। ठीक हो गया। और आपको पता है जब हम क्या करते हैं, हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि हमारे पास जो चीज़ कॉमन आती है वो लिखते हैं। ठीक है, देखें सिक्स हमारे पास क्या है, इधर आ रहा है, इधर हमारे पास आ रहा है, वाई में आ रहा है, तो इधर भी आ रहा है, तो ये हमारे पास सिक्स आ जाएगा। उसके बाद देखें नाइन इधर है, इधर नहीं है, नहीं लिखेंगे। ट्वेल्व इधर है, ठीक है, इधर भी है, लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्वेल्व के बाद हमारे पास जो एलिमेंट आ जाएगा वो फिफ्टीन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिफ्टीन इधर भी है, उधर भी होगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास तकरीबन यही हमारे पास इन दोनों में कॉमन आता है। मतलब है कि जो वाई इंटरसेक्शन जी का कंप्लीमेंट हमने लिया था, जो जी का कंप्लीमेंट आया था वो हमारे पास ये आया था, और उसके बाद जो हमारे पास वाई के एलिमेंट थे वो हमारे पास सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन। अब हमने जो दोनों साइड पे चीज़ कॉमन है वो हमने लिखनी है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई इंटरसेक्शन आपने लिख लेना है, और जी का आपने कंप्लीमेंट लिख लेना है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा सिक्स ट्वेल्व फिफ्टीन। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन भी सॉल्व हो गया। इसमें ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो परेशान नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करना था, वाई इंटरसेक्शन जी का कंप्लीमेंट फाइंड करना था, तो मैंने यहाँ पे वाई यूनियन जी का कंप्लीमेंट लिख लिया।
जब हमने जी वाई यूनियन वाई इंटरसेक्शन जी का कम्प्लीमेंट फाइंड करना, तो जी का कम्प्लीमेंट फाइंड किया तो यू माइनस जी जो कम्प्लीमेंट होता है क्या होता है, जिस एलिमेंट का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है जिस सेट का, तो उसको यू में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये वाले एलिमेंट आ गए। उसके बाद वाई के एलिमेंट लिख दिए पहले, उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन डाला, और उसके बाद आपने जी का कम्प्लीमेंट जो हमने फाइंड किया था वो हमने लिख लिया। और उसके बाद आपने क्या करना है, वाई इंटरसेक्शन जी का कम्प्लीमेंट है जो हमारे पास वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमारे पास 6, 12, 15। कैसे आया, 6 इधर भी है इधर भी है, 12 इधर भी है इधर भी है, 15 इधर भी है इधर भी है, 18 हमारे पास इधर है लेकिन इधर नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास वाई इंटरसेक्शन जी का कम्प्लीमेंट आ गया। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन हमारे पास 16 है वो भी सॉल्व हो गया। अगर इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक होगी हो तो उसके लिए माफ कर दीजिए। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ साथ इस क्वेश्चन को आपने बड़े ध्यान से ख्याल से करना है क्योंकि इसमें मुझसे भी मिस्टेक हो गई हैं और आपसे भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो कोशिश करनी है कि जो मैंने करेक्शन करवाई है उनको आपने साथ लेकर चलना है। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।